आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू। इसको पिन्नी के लड्डू भी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट लड्डू भी बोल सकते हैं। इसमें मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सर्दियों में बहुत फायदेमंद भी है, बहुत अच्छे भी होते हैं टेस्ट में। आप इस रेसिपी से एक बार बना के जरूर ट्राई करेगा। फर्स्ट है, एक बड़ा बाउल मैंने आटे का ले लिया, करीब नहीं तो इसमें 700 ग्राम जितना आटा है। 700 ग्राम ही देसी घी यूज करूंगी मैं इसके अंदर, और करीब नहीं तो 550 ग्राम के आसपास खांड, देसी खांड होती है चीनी वाली वो, या आप चीनी पीस के भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। काजू है, इसको मैंने काट के एक बाउल ले लिया है। बादाम का एक बाउल काट के ले लिया है। किशमिश एक बाउल ले लिया है। मक्स जिसको बोलते हैं खरबूजे के बीज, ये भी मैंने एक बाउल ले लिया है। ये गोंद है, गोंद का मैंने ले लिए है एक से डेढ़ बड़ा वाला स्पून, दो से ढाई स्पून ये कमर कस है। ये सर्दियों में अगर आप यूज करके आएंगे तो आपकी हेल्थ को भी फायदा देंगी। जो लेडीज में कई बार कमर वगैरह पेन वगैरह होते हैं, बोन्स पेन होते हैं, उससे वो भी काफी इससे अच्छे मतलब हिलअप हो जाते हैं। तो ये आप एक बार इस रेसिपी से बना के जरूर ट्राई करिएगा। देखिएगा, फर्स्ट हम एक बड़ी कढ़ाई रख दिया मैंने, इसको थोड़े खुले दिल से बनाना होता है। इसमें सामान आप जितना ड्राई फ्रूट घी अच्छा डालेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे बनके मिलेंगे आपको। ये देखिए, मैं करीब नहीं तो जितना आटा उतना ही घी, मैं शुगर थोड़ा कम लूंगी उतना ही मैं घी डाल लूंगी। गैस मैंने सिम पे जला देती हूँ, गैस को सिम ही रखेंगे हम। करीब 700 ग्राम जितना ही मैं जितना आटा है मैं उतना ही घी यूज करूंगी। अगर आपको लगे तो आप एक बार आधा किलो डाल लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप और उसको बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, ये देसी घी मैंने प्योर घर का निकला हुआ इसमें यूज करा है। ठीक है, इसको हम तेज थोड़ा सा करके, गैस ज्यादा तेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेज करके गर्म कर लेंगे। पहले मैं इतना ही डालती हूँ, जितना जरूरत होगा फिर उसी हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। अब इसमें इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए गर्म होने पे आटा डाल दूंगी मैं। नॉर्मल ही आटा है, अगर आपको कहीं से मोटा थोड़ा सा आटा मिल जाता है तो आप उसके बना लीजिए। वैसे तो मैंने तो घर में ही जो आटा होता है उसी का मैं बना लेती हूँ। अब हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा घी कम लग रहा है, थोड़ा सा मोर डाल लेते हैं। घी इसमें अच्छा डालना होता है। गैस को सिम टू मीडियम, सिम ही रखिएगा, मीडियम भी नहीं करिएगा आपसे जब तक ये पूरा मिक्स नहीं हो जाता। मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया, इसे चलाते हुए करीब हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे सिम गैस पे इसको भूनने के लिए। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। घी में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, इसमें अच्छा डालना होता है तभी टेस्ट में बहुत अच्छे बनके मिलेंगे। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं, इसको देखिएगा इसको जब बन जाते हैं तब इसको अगर आप ये रखते हैं, अगर आपको गर्म खाना पसंद है हल्का सा 10 सेकेंड माइक्रो करके भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। अब ठीक हो गया, अब इसको हम खाना मिलाएंगे करीब 20 से 25 मिनट। देखिए, करीब तो 10 मिनट हो गए हैं, सिम पे ही है, सॉफ्ट होने लग गया अब ये। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अब ये घी निकलने लग जाएगा 4-5 मिनट बाद घी। इसको तेज गैस पे मत भूनिएगा, जितना सिम पे भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब पहले एकदम टाइट हुआ था घी मिक्स करने से, अब ये थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगा है, करीब 10 मिनट तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा अब ये। ये देखिए घी छोड़ दिया इसने, काफी कुछ छोड़ने लग गए हैं। अब करीब 5-5 मिनट और हो गए, 5-7 मिनट अभी और लगेंगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं, पर करना सिंपल है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इसको करने के लिए। ये देखिए घी छोड़ रहा है, काफी छोड़ चुका है, ये अलग हो रहा है। देखिए 2-4 मिनट और हो गए हैं, कितना इजी करने लग गया, ये बिल्कुल घी छोड़ रहा है। 2 से 3 मिनट के अंदर घी छोड़ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, आपको पता भी लगने लग जाएगा कि भून गया है। वैसे तो काफी 70% भून गया है, अभी और भूनना है इसको, घी बिल्कुल अलग हो जाएगा।
दिख रहा है ना, ये आपको छोड़ते ही देखो घी ऊपर आने लग जाता है बिल्कुल। ये देखिए घी बिल्कुल छूट चुका है, देखिए चलाने में भी बिल्कुल हल्का हो चुका है। ये देखिए बड़े इजीली हल्के हाथ से ही चल रहा है। अब हम इसके अंदर अभी मतलब पूरा नहीं कहेंगे, करीब 80-85% ये हो चुका है, बस अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल के हम भूनेंगे। कलर भी देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। ये मैंने काजू डाला, बादाम डाल दिया, मग्स डाल दिए। अभी मैं किशमिश में पहले इसको भून लूंगी क्योंकि किशमिश फूल जाती है, इसलिए किशमिश को हम पहले नहीं डालेंगे। देखिए मैंने पूरे दिल से इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला है। जितना आप अच्छा बनाना चाहते हैं उतना आपको खुले हाथ से बनाने पड़ेंगे। पिन्नी बोलते ही उसी को है जिसको आप अच्छे से ये ड्राई फ्रूट वगैरह घी वगैरह अच्छे से डाल, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट भी भूनना है। अभी हम इसको ड्राई फ्रूट को भूलेंगे करीब नहीं तो 5-7 मिनट। ये ड्राई फ्रूट भी एक अच्छा टेस्ट नहीं देने चाहिए, इसके साथ भून जाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ड्राई फ्रूट भी मॉइस्चर खत्म हो गया, सिकने लग गया, और 1-2 मिनट चला लेते हैं। फिर इसके बाद हम और सामान भी डालेंगे। मैंने काफी सारा ड्राई फ्रूट डाला है इसलिए। क्योंकि मुझे तो अच्छा ड्राई फ्रूट डाल के बनाने ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, और घर के बने तो फिर क्या जवाब हुआ कि अच्छे बनेंगे, बहुत घर के बने वो तो। अब इसमें अब हम किशमिश भी डाल देते हैं। ये देखिए किशमिश थोड़ा फूलेगी। किशमिश को भी अच्छे से सेक लेते हैं, 2-4 मिनट और चलाते हैं इसी तरीके से हिलाते हुए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भून चुका अच्छे से, किशमिश भी फूल गई है। ये छोड़िए गोंद डाल दी है, इसको अब हम वो कर लेते हैं हिलाते हुए। ये कमर कस भी डाल देती हूँ मैं 1-1.5 चम्मच, इसको अब हिलाते हुए 2-3 मिनट और भूनेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे से भून जाए कि मुंह में नहीं आए, कच्ची नहीं लगे। गोंद की तो पहचान है, गोंद फूलने लग जाएगी, जैसे किशमिश फूल जाती है ऐसे ही गोंद भी फूलने लग जाएगी। ये देखिए गोंद भी फूल गई है, क्रिस्प भून चुकी है, बस अब ये कमर कस भी थोड़ा सा हो जाए। ये देखिए गोंद फूल चुकी है अच्छे से, दिख रही होगी आपको। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा बस ऐसे करते हुए इसको 1-1.5 मिनट में बस हम बंद कर रहे हैं गैस को। देखिए सारा ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ भून चुका है, घी इसने छोड़ दिया, बस अब इसको ऐसे ही करते हुए हम गैस बंद कर देते हैं। और इतना ठंडा इसको खांड मिलाने के लिए हम इतना ठंडा करेंगे कि जितना हम लड्डू बांधने के लिए हाथ में ले सके उतना हम ठंडा करेंगे। करीब 10 मिनट लग जाएंगे, तो 10-15 मिनट हम ठंडा करके फिर इसके अंदर खांड मिलाएंगे। हो गया, अब इसको इस तरह से फैलाते हुए हम थोड़ा सा कि जल्दी ठंडा हो जाए गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा फैलाते हुए छोड़ देते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर हम गर्म में खांड मिलाएंगे तो वो पिघल जाती है खांड, तो इसलिए थोड़ा सा हवा लग जाए इसके अंदर और लड्डू बांधने के लिए हम आराम से हाथ लगा सके, इतना अब हम ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दें। 10 मिनट हो गए हैं करीब, अब ये थोड़ा सा टच करने लायक हो गया है। अभी इसके अंदर हम खांड मिला देंगे, ऐसे फैलाते हुए मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से करते हुए फिर इसको अच्छे से हिला लेंगे, फिर 1-2 मिनट फिर ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके लड्डू बांधेंगे। इस तरह से करते हुए इसको फिला लेंगे। देखिए खांड बिल्कुल अच्छे से मिल चुकी है, अब हम देखते हैं इसको टच करके। खांड आप रिक्वायरमेंट से अपनी कम ज्यादा भी कर सकते हैं,
ये देखिए अब आराम से हाथ लगा पा रहे हैं। इसके अब हम लड्डू बांध लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गई है अब ये खांड। थोड़ा गर्म है, थोड़ा बांधते हुए हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए थोड़ा दबाते हुए बांधिएगा। ये देखिए इस तरीके से करते हुए। और भी हम तैयार कर लेते हैं, जिस साइज के भी आप बांधना चाहते हैं। पर ये थोड़ा सा दबाते हुए करिएगा। ये देखिए तो बनके रेडी हो गई हैं और भी बन रही हैं। जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप इस रेसिपी से बना के एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी बनी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।